महंगाई की मार अब आम आदमी की थाली तक पहुंच गई है। हर सब्जी में इस्तेमाल होने वाला टमाटर अब लगता है कि थाली से गायब होने वाला है, क्योंकि इसकी कीमतें देश के कई राज्यों में 100 रुपए के पार चली गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के आंकड़ों के मुताबिक 27 जून को पूरे भारत में टमाटर की औसत कीमत 46 रुपए प्रति किलो रही, जबकि इसकी अधिकतम कीमत 122 रुपए प्रति किलो रही। वहीं अगर होलसेल और रिटेल वेजिटेबल सेलर्स की बात करें तो उनका कहना है कि टमाटर के दाम 3 हफ्तों में 400% बढ़े हैं। तो चलिए अब देश की मंडियों और मेट्रो शहरों में पहले के मुकाबले बढ़े टमाटर के दाम भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली की मंडियों में अच्छी क्वालिटी के टमाटर पहले 15 रुपए किलो थे, जो अब 56 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं हाइब्रिड टमाटर जून के पहले हफ्ते में 14 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत 46 से 50 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं देश के 4 मेट्रो शहरों की बात करें तो दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमत 60 रुपए प्रति किलो, मुंबई में 42 रुपए प्रति किलो और कोलकाता में 75 रुपए प्रति किलो है। और साथ ही चेन्नई में देखें तो 66 रुपए प्रति किलो दाम चल रहा है। वहीं मदर डेयरी पर भी टमाटर का भाव एक हफ्ते में ही दोगुना हो गया, करीब 80 रुपए प्रति किलो हो चुका है। लेकिन ये कीमतें नीचे कब होंगी, ये बड़ा सवाल है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने दाम बढ़ने के पीछे मॉनसून को वजह बताया है। टमाटर बहुत जल्द खराब होने वाले खाने के प्रोडक्ट में से एक है और अचानक बारिश होने की वजह से इसकी ढुलाई पर भी असर पड़ता है, जिसका सीधा असर कीमतों पर देखने को मिलता है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ये कीमतें अचानक क्यों बढ़ी। तो आपको बता दें, इसके पीछे डिमांड के मुकाबले सप्लाई का कम होना वजह है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश होने से टमाटर की फसल प्रभावित हुई। इसके साथ ही एक कारण ये भी है कि 2020 और 21 में टमाटर की बम्पर फसल हुई थी, लेकिन उस समय कीमतें इतनी कम थी कि किसानों की लागत भी नहीं निकल पाई। इसी वजह से इस बार हिमाचल, उत्तराखंड और कई दूसरे राज्यों के किसानों ने टमाटर की खेती नहीं की, जिसकी वजह से पिछले साल की तुलना में इस बार उत्पादन आधा हो गया है। यानी इस बार टमाटर के दामों पर मॉनसून की मार और प्रोडक्शन में कमी का असर दिख रहा है। हालांकि सरकार का मानना है कि ये कीमतें लंबे समय तक ऊंची नहीं रहेंगी। अब देखना ये होगा कि ये समस्या कितने दिनों तक बनी रहेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें। और देखते रहें जागरण।